आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। आरआरबी एग्जाम के लिए हमारी 600 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आई होप सो कि आप सभी सीरीज में शुरू से ही जुड़े हुए हैं। अगर आपने पहली बार इस क्लास को देखा है तो आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि ये Day 25 आज हम कर रहे हैं। इससे पहले Day 24 तक की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और वो सभी की सभी क्लासेस आपको देख लेनी चाहिए। एग्जाम से पहले सारे के सारे सवालों को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो वो क्लासेस कहाँ पे मिलेंगी? चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इस वीडियो के, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो वहां से जाके आप सभी के सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि देख लेना एक बार और एक से दो बार रिविजन कर लेना, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप सारी चीजों से, सारे टॉपिक से, हर एक तरह के क्वेश्चन से अवेयर हो जाओ कि हाँ भाई एग्जाम में इस तरीके के सवाल हमें मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया? आज का Day 25 क्लास होने वाला है, इसे अब हम स्टार्ट करेंगे। ज्यादा देर नहीं करने वाले हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास है। बट आपको मैं टाइम दूंगा हर एक सवाल के साथ में, तो आप उस टाइमर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है भाई? हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 482 से स्टार्ट करेंगे। पहले वाले सवाल कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वाले क्लासेस में। 20 सेकंड का आपके लिए टाइमर रहेगा और 20 सेकंड में आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में आप खुद से आंसर को मैच करिएगा। ठीक है? सेकंड चीज, लास्ट क्लास मैंने आप सभी को ये कहा था कि आपकी जो आने वाली क्लासेस होंगी ना, उन सभी के सभी क्लासेस में मैं आपको एग्जैक्ट आरआरबी लेवल ही करवाने वाला हूँ। मतलब हर एक सवाल में मैं आपको बता दूंगा कि आरआरबी क्लर्क लेवल है या आरआरबी पीओ लेवल है, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के सवाल बनाओ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। क्योंकि अब जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस का है। सारी चीजें आपने सीख ली है, एग्जाम के दौरान किस लेवल तक के एक्चुअल सवाल आपको मिलेंगे वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा आपको हेल्प करेंगे बजाय हाई लेवल के सवालों के। ठीक है? तो सवाल आपके सामने है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसका मतलब सिर्फ क्लर्क में आता है सिंप्लीफिकेशन, तो ये क्लर्क लेवल का सवाल है आपके लिए। 20 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर दीजिए और बना दीजिए। ठीक है भाई, 20 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने सवाल को अभी तक बना लिया होगा। तो चले करें स्टार्ट इस सवाल को। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है इस सवाल में। ठीक है? ब्रैकेट को सॉल्व करें, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स में 32, 2 बचेगा, 4 का आधा कर लो। आधे बार में तो कंप्लीट हो जाता है ना, 2 मतलब 4 इंटू 5 कर लोगे तो 20 हो जाएगा आपके पास में, तो 8.5 टाइम ही कैंसिल हो गया। अब देखो 31 और 8, 39 और 0.5 करोगे तो 40। 40 से आपने ब्रैकेट में सॉल्व किया, 40 आया, डिवाइड करना है क्वेश्चन मार्क से, और राइट हैंड साइड पे 16 है, तो थोड़ा सा एक स्टेप बचा हुआ अभी यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन मार्क है आपको पता है कि 40 के नीचे लिखना है, फिर इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। आप डायरेक्ट लेके चले जाओ और ये 16 को यहाँ पे ले आओ, आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो सॉल्व कर लो, 16 से डायरेक्ट करो, 2 टाइम्स करोगे 32, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 8 बचे था उसके साथ में 0 लग गया, 5 बार में कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, मतलब 2.5 आंसर हो गया। आंसर आ गया आपका, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 सेकंड में आया ना, वो बड़ी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 483 बनाओ जल्दी से, फटाफट से। अब देखो इस सवाल में आपको लगेगा कि सर सवाल थोड़ा सा बड़ा दे दिया आपने, तो मैं कहूंगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया है मैंने। अगर आप थोड़ा सा बेटर अप्रोच के साथ में जाओगे ना, तो ये सवाल आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 650% ऑफ 150, 650% ऑफ 150, थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालना, तो आप सभी को पता है कि आप एक नंबर को हाफ कर लिया करो और दूसरे को डबल कर लिया करो, अगर इजी पड़ रहा है आपके लिए तो। ये इजी तो पड़ेगा, देखो 300 बन जाएगा, ये 300 बन जाएगा, 150 का डबल कर लिया, 650 का आधा कर लो, 325 हो जाएगा। ये लीजिए परसेंटेज अभी भी यहाँ पे है, फायदा कैसे हुआ सर? परसेंटेज से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए और आपके पास में वैल्यू कितनी बची? 325 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसमें आपके लिए हेल्प क्या थी? 325 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू बची आपके पास में 325 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 325, फिर प्लस करना है। अच्छा 50% निकालना है 330 का, तो 330 का 55% निकालना थोड़ा सा आसान नहीं होता, तो ध्यान से समझना। पहले तो आप 50% निकाल लो, 330 का 50% निकाल लेते हैं, 165 आ जाएगा। 50% निकाल लिया मैंने, 50% 330 का हाफ कर दो आप, वो उसका 50% हो जाएगा, कितना हो गया? 165। सर 5% और बच गया अभी, तो 5% भी और निकाल दो आप। 5% कैसे निकालोगे? अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा है आपने,
तो आपने 50% की वैल्यू लिखी है कितना 165। तो अगर मैं 5% की वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे तो इसको 10 से डिवाइड किया गया है तो इसको भी आप 10 से डिवाइड कर लो तो 16.5 मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा अगर आपकी अप्रोच बेटर रहेगी तो सवाल में दम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, है ना। डिपेंड करेगा कि आप किस अप्रोच से एग्जाम के दौरान सवालों को सॉल्व करते हो। वही सवाल आपको 20 सेकंड में भी बनेंगे और वही सवाल आपके हो सकता है कि एक मिनट भी ले लें। तो इसलिए अप्रोच को सबसे बेटर रखना। 55% निकालना था 330 का, मैंने सीधा सीधा हाफ कर दिया, पहले 165 मुझे मिल गया। सर 50% तो निकाल लिया, 5% और निकालना था अभी, तो 50 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 50% की वैल्यू 165 थी ना, तो 5% की वैल्यू के लिए 10 से डिवाइड किया तो इधर भी 10 से डिवाइड कर लो। ये दिमाग में चलनी चाहिए अब कैलकुलेशन कि 165 था, उधर 10 से डिवाइड किया तो इधर भी 10 से डिवाइड कर दो तो 16.5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। बस दोनों को सिंपली ऐड करो और आपका आंसर आ गया। अब ज्यादा चीजें थोड़ी बची हैं आपके पास में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ 3 बचा हुआ है सर। राइट हैंड साइड पे देखो आप, 16 और 65 कितने होते हैं, 81 होते हैं, तो 181.5 बन जाएगा ये। तो 181.5 इधर से देखो ये कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो 184.5 हो जाएगा आपके इस सवाल का आंसर। काफी बढ़िया सवाल था, सवाल में दम बिल्कुल नहीं था, बस आपको एक अच्छी अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन के साथ में डील करनी चाहिए थी। अगर ये सारे की सारी अप्रोचेज आप एग्जाम के दौरान भी इस्तेमाल कर लेते हो तो बन जाएंगे ना 80 में से ऐसे सवाल, क्या दिक्कत आ रही है, 45 मिनट काफी समय होता है। अगला 484 बनाओ जल्दी से। ठीक है भाई, 20 सेकंड कंप्लीट। देखो सीधा सीधा आपको देखना है सवाल को, लेफ्ट हैंड साइड से देखा, 33 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। या तो टू डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक लगाओ, है ना, या फिर अगर आप डायरेक्ट देख के कर पाते हो तो मैं तो ये कहूंगा कि आप डायरेक्ट देख के क्या करो, जैसे 16 की टेबल तो आती है आपको, 16 को 30 बार मल्टीप्लाई कर लो 480 मिलेगा, और 16 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो 48 मिलेगा। इन सबको ऐड कर लो आप, कितना मिल जाएगा, 528 मिल जाएगा, 528 मिल जाएगा। माइनस करना है इसमें 28 और प्लस करना है इसमें x डिवाइडेड बाय 9, और ये 566 आपके पास में पहले से चल रहा है। तो 528 और 28 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इस 500 को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो कितना बचेगा सर, 566 में से 500 माइनस करना है, 566 में से 500 आपने माइनस करना है, 66 बचेगा केवल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x बाय 9 और ये हो गया 66, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 मल्टीप्लाई बाय 9, ये लीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको। अब एक और अप्रोच है यहाँ पे, 66 को 9 से मल्टीप्लाई करने की बजाय थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं। देखो 66 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा सर। अब 660 में से 66 माइनस करना है, तो 60 जब आप माइनस कर दोगे तो 600 पे आ जाओगे, 6 और माइनस करना है, 594 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन भी आप बिल्कुल अपने दिमाग में कर सकते हो, लिख के करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अप्रोच है आपके पास में, आप 9 से तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट इजीली कर सकते हो ना, 9 × 6 54 हो जाएगा, कैरी 5 54 और 5 59 हो जाएगा, ये लीजिए। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी के में पूरी अप्रोच को थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे 485 पे और बनाएंगे बहुत ही जल्दी से सवाल को। चलिए भाई इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा ऐसी फॉर्म में लिखते हैं सवाल को, ताकि सॉल्यूशन करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 ही मिलने वाला है सर, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 ही मिलेगा, 120 एज इट इज लिखो, 18 से डिवाइड करना है एज इट इज लिखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपके लिए वैल्यू रहेगी। अब 4 से डिवाइड करो, देखो 3 बार में 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 8 बार में कंप्लीट हो जाएगा, 38 टाइम्स कंप्लीट हो गया सर। देखो सॉल्व करते हैं, 16 से मैंने सॉल्व किया तो ये मिलेगा मुझे 9 बार में, 16 इंटू 9 कितना होता है, 144 होता है, टेबल आनी चाहिए भाई आपको। 9 से डिवाइड करेंगे इसे 2 बार में, और 2 से डिवाइड करेंगे इसे 60 टाइम्स में, 60 आ गया यहाँ पे, और ये 38 यहाँ पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये लीजिए टोटल कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट आपके आरआरबी क्लर्क लेवल का सवाल है, जो 10 से 15 सवाल मिलेंगे ना आपको आरआरबी क्लर्क के पेपर में, वो इसी लेवल के मिलेंगे सर। आप जब आपका पेपर होगा ना 7 तारीख का, उसके बाद में वापस आना आप मेरे पास में, बताना कि क्या लेवल रहा था आपका, ठीक है, यही लेवल मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 486 पे।
बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिखने में फिर से आपको बड़ा लगेगा, कैलकुलेशन बड़ी लगेगी, लेकिन बेटर अप्रोच के साथ में जाओगे तो 20 सेकंड में बहुत ज्यादा समय है। बनाइए। चलिए भाई, चलिए 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 बनाइए। अब देखो इसमें मैं आपको दो तीन अप्रोच बता देता हूँ, है ना, जो आपको सबसे बेटर लगे, फिर आप उसके ऊपर रहना, क्योंकि लास्ट का समय बचा है। एकदम से अपनी अप्रोच को चेंज करोगे ना आप तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट जो चीजें डेवलप की जा सकती हैं अगले 10 दिनों में वो जरूर से जरूर कर लेना, है ना, उनमें पीछे नहीं हटना। देखो सबसे आसान अप्रोच क्या है, सबसे आसान अप्रोच ये है कि सर 176 आप लिख रहे हो, 325 आप इसके साथ में लिखो और 100 से आप डिवाइड कर लो। बढ़िया अप्रोच है। अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो 25 से, ये वन टाइम में कंप्लीट चला जाएगा, 7 बचेगा, 3 बार में हो जाएगा और ये 4 बार में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4 से इसे डिवाइड कर सकते हो 44 टाइम, 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, या 13 को कर लो 44 से मल्टीप्लाई। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा देखो, कर लेते हैं। 13 को 4 से करोगे तो 52, और 13 को 4 से करोगे तो 52, ये लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास में, 572 आ जाएगा, 572 आ जाएगा आपके पास में टोटल। पहली अप्रोच के साथ में आप इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड अप्रोच वही, एक नंबर को हाफ करो, दूसरे नंबर को डबल कर लो। अगर वो अप्लाई हो रही है तो वो भी करनी चाहिए आपको, उससे फायदा होना चाहिए। अगर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, तब तो उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उससे फायदा नजर आना चाहिए। देखो 325 का हाफ मैं करूंगा नहीं, क्योंकि फिर पॉइंट्स में चली जाएगी वैल्यू, तो इसका डबल करना चाहिए, तो ये तो 650 मुझे मिल जाएगा, और इसका हाफ करना पड़ेगा तो ये तो सर 88 मिलेगा आपको। अब यहां से बेनिफिट कुछ मिला? हाँ सर, बेनिफिट तो मिला। क्या बेनिफिट मिला आपको? कि पहले 3 डिजिट थी आपके पास में यहाँ पे, और अब आपके पास में 2 डिजिट बची हैं। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है आपके पास में, बदलना ही पड़ेगा आपको, लेकिन पहले कितनी थी? 3 डिजिट, और अब कितनी है? 2 डिजिट। तो ये वाला आसान रहेगा ना थोड़ा सा आपके लिए। अब देखो, अब 650 डिवाइड करोगे 100 से, 10 से 10 आप मन में कैंसिल करके डायरेक्ट ये लिखोगे, 65 डिवाइडेड बाय 10। 5 से कैंसिल किया 13 टाइम, 5 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 44 टाइम्स, आए पहुंचे आप उसी चीज पे, क्योंकि आंसर तो सेम आना है, अप्रोच ही तो अलग की है हमने थोड़ी सी, लेकिन इसको कैंसिल करना थोड़ा सा आसान हो गया। तो 44 को 13 से आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, चाहे पहले वाली अप्रोच से आ जाओ चाहे दूसरे वाली अप्रोच से आ जाओ, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं भाई इस सवाल में अप्रोच का, है ना। पहले वाले भी वही करना पड़ गया आपको लास्ट में, सेकंड वाले से भी वही करना पड़ेगा, तो दोनों इस सवाल के लिए बहुत ही बढ़िया अप्रोचेस थे, ठीक है, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। तो कितना आया था? 572 आया था, 572 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 11 का स्क्वायर कर लो 121। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 बार हो जाएगा, ये 21 और 15 और 2 17, ये लीजिए, और ये 121 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो ऐड कर लो बस, इतना सा ही आपके पास में सवाल, 1837 आ जाएगा आपके पास में टोटल। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड सवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इसमें आपने दो तरह की अप्रोचेस देखी, पहली अप्रोच क्या थी कि 176 से रखो सर, 325 को डिवाइड कर लो आप 100 से, ठीक है, वहां पे आपको देखो 25 से डिवाइड करना था, थोड़ा सा बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इस वाली अप्रोच में क्या हुआ, सेकंड वाली में आपने एक को हाफ कर लिया, एक को डबल कर लिया, तो 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए। पहले वाली जो दो तीन स्टेप थी वो आसान होगी, लास्ट में तो 44 को 13 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे आप। तो 5 सवाल कंप्लीट हो गए, अब चलते हैं सीधा सीधा डीआई पे। आप सभी के लिए डीआई रखी है, आरआरबी क्लर्क लेवल की डीआई है ये। आरआरबी क्लर्क में आपसे किस लेवल तक की डीआई पूछी जा सकती है, ये उसी का एग्जाम्पल है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ट्राई करो इस सवाल को, फिर जो अगला सवाल रहेगा वहां से मैं आपको टाइमर पे दे दिया, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो यहाँ से वीडियो को पॉज करके, समझ लो और बना लो सवाल। देखिए, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द क्वांटिटी ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट इन 5 डिफरेंट पैकेट्स। 5 अलग अलग पैकेट है, उन पैकेट के नाम है ए बी सी डी और ई। उन अलग अलग पैकेट्स में नंबर ऑफ शर्ट्स और नंबर ऑफ टी शर्ट्स को पैक किया गया और उनका डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। अब एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा एग्जाम से पहले, कि जैसे मान लीजिए कि पैकेट ए की बात की जा रही है, तो शर्ट कितनी होंगी? शर्ट हो जाएंगी सर 560 हो जाएंगी। ये तो मैंने आपके लिए जब डीआई बनाया तो यहाँ पे मैंने 560 आपको लिख के दे दिया, एग्जाम के दौरान एग्जामिनर यहाँ पे लिख के नहीं देंगे आपको, तो सर पता कैसे चलेगा? थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने मॉक टेस्ट में भी देख लिया होगा। देखो इस तरीके से आपका लाइन ग्राफ, मान लीजिए ये लाइन ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है,
तो यहाँ पर जो डेटा है वो आपको डेटा निकालना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर वाला जो डेटा है उसे कह दिया जाएगा कि ये 600 है, इसके नीचे वाला जो डेटा है वो हो जाएगा 500। तो अब आपके पास में छोटे छोटे आपको नजर आएगा कि टोटल सर 5 लाइनों का गैप है या 4 लाइनों का गैप है, वहां पे काउंट करना पड़ेगा आपको। 4 लाइन का मतलब अगर गैप कितना है 4 लाइन का, और एक्चुअली में गैप कितना है 100 का, तो 4 लाइन का गैप मतलब 100 का गैप, तो 1 लाइन का गैप मतलब 25 का गैप। तो आप देखोगे कि एक और दो, तो सर 2 लाइन का गैप मतलब 50 का गैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे डेटा को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने इस डेटा को एक बार चेक कर लिया कि भाई यहां से ये डेटा कितना आ रहा है, 560 आ रहा है, तो इस डेटा को थोड़ा ध्यान रखने की प्रैक्टिस भी करो आप। हर बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वहां पे। प्रैक्टिस जब हम लेके आएंगे ना घर पे, इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आराम से डेवलप हो जाएगी 10 दिनों में, काफी समय। तो अभी मैंने डायरेक्ट लिख के दिया है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा और ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ शर्ट इन ऑल द पैकेट्स टुगेदर, सारे के सारे पैकेट में मिला के शर्ट्स का एवरेज कितना है। तो शर्ट्स को पकड़ो, टोटल करो, टोटल 5 पैकेट है, 5 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया आपका। शर्ट्स को पकड़ना है 560, 480, 660, 320 और 440। अब सबको ऐड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, लेकिन ऐड करने के लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने जरूरी है। 560 में 480 ऐड करना है, बहुत फास्ट आप ऐड नहीं कर पाओगे पता है मुझे, लेकिन 480 में 320 तो आप ऐड कर पाओगे ना बहुत आसानी से। 700, 400 प्लस 300 700, और 80 और 20 100, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 660 एंड 440 का कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा सर, दोनों को आप ऐड कर लो और उसमें लास्ट में फिर 560 ऐड कर देना आप। इस तरीके से आपको ऐड करना चाहिए ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान कैलकुलेशन हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 900, 900 में कितना 560 आपने ऐड करना है, तो 2460 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो 5 से, क्योंकि टोटल 5 पैकेट्स है ना यहाँ पे, तो 5 से डिवाइड कर लो। देखो 4 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा और 2 बार में जाएगा, 492 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान रहेगी लेकिन डिपेंड करेगी आपकी अप्रोच के ऊपर कि आप किस अप्रोच से जाते हो, नहीं तो आसान सी कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 448, 6 किया था 7 किया, 448 488 पे आ चुके हैं हम और 20 सेकंड का समय है, स्टार्ट हो चुका है, बनाइए सवाल। देखिए इस सवाल में हो सकता है कि किसी ना किसी कैंडिडेट को एक डाउट आया होगा, है ना, जैसा मुझे पता है हो सकता है कि आपके मन में वो डाउट आया होगा, वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ इसमें, है ना। तो अगर आपने सही किया है सवाल को तो भी आप चेक कर लेना, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप गलती कर जाओ, क्योंकि वो गलती होती नहीं है, वो गलती अनजाने में हो जाती है। सबको पता है कि क्या कैलकुलेट करना है बट अनजाने में वो गलती हो जाती है और कई बार डाउट क्रिएट हो जाता है, समझना ध्यान से। सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट्स टुगेदर इन सी टू डी। अब यहां पे ये डाउट आएगा कि सर हम सी को कंप्लीट ले लें और डी को कंप्लीट ले लें, इन दोनों का रेशियो निकालना है, या फिर शर्ट तो चाहिए सी की हम शर्ट ले लें और डी का हम यहां पे टी शर्ट्स ले लें, इन दोनों का रेशियो निकालना है। दोनों में से निकालना किसका रेशियो है सर, ये वाला डाउट आपके मन में आ सकता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर एग्जामिनर को सी से शर्ट को लेना था और डी से टी शर्ट को लेना था, तो एग्जामिनर आपसे सवाल कैसे करते पता है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताता हूं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शर्ट इन पैकेट सी एंड टी शर्ट्स इन पैकेट डी। अगर इस तरीके से आपको सवाल मिलता है कि रेशियो आपको बताना है शर्ट्स इन पैकेट सी एंड टी शर्ट्स इन पैकेट डी, तब तो ये वाले करने हैं आपको, इन दोनों का रेशियो निकालना है। और एग्जामिनर ने ये कह दिया कि शर्ट और टी शर्ट्स का रेशियो बताओ टुगेदर सी और डी का, तो आपको सी को शर्ट और टी शर्ट अलग ऐड करनी है, डी की शर्ट और टी शर्ट अलग ऐड करनी है, फिर दोनों का रेशियो बताना है, इन दोनों में आपका ये डिफरेंस रहेगा। तो सवाल जब आपके सामने आए तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे फिर उस सवाल को करेंगे। ठीक है, सवाल बड़ा आसान सा है लेकिन अगर गलत वाली चीज आपने पकड़ ली तो आंसर दूसरा आ जाएगा फिर आपका।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट्स टुगेदर, शर्ट एंड टी शर्ट्स टुगेदर भी आपके सामने लिखा हुआ आ गया इन सी एंड डी, सी टू डी। और अगर आपसे केवल सी की शर्ट की बात करेगा तो लिखता कि शर्ट इन सी एंड टी शर्ट इन डी, इन दोनों का रेशियो बताओ। ठीक है, दोनों का डाउट क्लियर हो गया, अब एग्जाम में गलती मत करना। अब देखो सी को अलग ऐड करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1300 और 120, 1420। ठीक है, और उसके बाद में डी को पकड़ लो आप, कितना हो जाएगा 800 और ये 60 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल करो, टू से आप डिवाइड कर सकते हो, ये 7 टाइम, ये 1 टाइम और ये 43 टाइम्स, 71:43, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, डाउट मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 489 पे, और इस सवाल को बना दीजिए, 20 सेकंड का टाइम है आपके लिए। चलिए टाइम खत्म हो गया आपका, सवाल देखिएगा। द क्वांटिटी ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट इन ए अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट्स टुगेदर इन बी। ए का टोटल करो, बी का टोटल करो और बता दो कि जो ए में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो बी का कितना परसेंट होगा। बस तो ए का अगर आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 980 टोटल मिला आपको। और आपको ये बताना है कि जो ए में प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट बी में जो अवेलेबल है उसका कितना परसेंट है। आपसे पूछा है कम या ज्यादा, नहीं सर कम या ज्यादा नहीं पूछा, डायरेक्ट आपसे परसेंटेज पूछा है। बस द क्वांटिटी ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट्स इन ए अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टी शर्ट्स इन, व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट इन आपके प्रोडक्ट बी में, पैकेट बी में। तो बी को भी ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 1080 और 1130, दोनों को आपने ऐड कर लिया। तो आपको ये बताना है ये जो 980 है ये 1130 का कितना परसेंट होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है आपको, है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना, अप्रोक्सीमेटली बता दो। कर लिया होगा सॉल्व आप सभी ने, तो चलिएगा सॉल्व कर लेते हैं। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब उसके बाद में सॉल्व हो रहेगा, ये 7 से सॉल्व होता है, नहीं सर 7 से सॉल्व ऑलमोस्ट हो जाएगा लेकिन कर नहीं सकते हमसे, है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर कैलकुलेशन। तो ऐसे सिचुएशन में आप 98 लिखो, डबल जीरो लगाओ और 113 से आप डिवाइड कर लो सीधा सीधा, ठीक है, 8 बार में आपको पता है कंप्लीट हो जाएगा, 904 बनेगा। कैसे सर इतना जल्दी कैसे कर दिया, 100 को 8 से करो 800 हो गया, 13 को 8 से करो 104 होता है, तो 800 में जब आप ऐड कर दोगे 104 तो 904 आपका बन जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा 76 बचेगा, जीरो पकड़ोगे। ठीक है, 7 टाइम्स में भी ज्यादा चला जाएगा, 77 हो जाएगा ना 7 टाइम्स में, 6 टाइम में हो सकता है क्या, 6 टाइम में ट्राई करते हैं सर, 6 टाइम में करोगे तो 78 और ये 600 बनेगा, 6 टाइम में कितना बनेगा 600 बनेगा और ये 78 बनेगा, तो 678 बन जाएगा। और 7 टाइम में कितना जा रहा है, ये 7 टाइम में तो खैर ज्यादा चला गया ना, तो 6 टाइम यहाँ पे आ जाएगा, तो 86 हो गया, मतलब लगभग लगभग आपके पास में 85% बन के आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली तो आंसर पूछा था आपसे, तो अप्रोक्सीमेटली आप बता दो कितना आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आपका 86 पॉइंट समथिंग आएगा, जो 85 के बिल्कुल आसपास की वैल्यू है, तो 85 पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सवाल, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 490 पे चलेगा, इसे भी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद में इसी डीआई का मैं आपको एक होमवर्क के लिए सवाल दूंगा। ठीक है, आज के लिए 10 ही सवाल रखे मैंने, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखेंगे और कवर कर लेंगे इन सवालों को जल्दी से। चलिए बनाइए सवाल, देखिए, इफ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ टी शर्ट्स इन बी ई एफ टुगेदर इज 450, ओके, टी शर्ट्स का आपको एवरेज दिया हुआ है बी ई और एफ का, तो टी शर्ट्स बी में कितनी टी शर्ट्स हैं सर, बी में सर 650 टी शर्ट्स हैं, और ई में कितनी टी शर्ट्स हैं, ई में अगर आप टी शर्ट्स देखोगे तो सर 520 है। क्लियर हो गया, देखो 650 और 520 दोनों को आप ऐड कर लो, 650 है प्लस 520 है, इसके साथ में आपको एफ का भी बताना है, पता नहीं चल पाएगा, लेकिन सर बी का आपने प्रोडक्ट लिया,
आपने ई का भी प्रोडक्ट ले लिया, दोनों की टी शर्ट आपने ले ली, डिवाइड कर लो अब आप थ्री से, क्योंकि आपको एवरेज बताना है और वो एवरेज किसके बराबर है, 450 के बराबर है जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये 650 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, और ये एफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा, क्योंकि 45 का 3 टाइम्स 1350 होता है। तो आप एफ में कितने टी शर्ट्स और शर्ट्स होंगे उनका टोटल यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो इनको आप ऐड करोगे तो 1100 मिलेगा, 1150 1170 प्लस आप यहाँ पे एफ करोगे और ये हो जाएगा 1350, ठीक है भाई। चलिए एफ की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 135 में से 117 माइनस करना है, 18 बचेगा आपके पास में, 180 हो जाएगी, ठीक है। अब इस 180 को, एफ का जो टोटल प्रोडक्ट था वो 180 आ गया, अब इस 180 को आप डिवाइड कर लो, देखो मैं यहां पे लिख के कर देता हूं, 180 को आप डिवाइड कर लो किस रेशियो में, 2:3 में डिवाइड कर लो सर। तो क्या 2:3 में आप डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर हम, तो 2:3 में डिवाइड करते हैं। देखो 3+2 5 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, तो ये 72 और ये 108। तो शर्ट्स कितनी है यहाँ पे 72 और टी शर्ट्स कितनी है यहाँ पे 108, क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा गया है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शर्ट इन एफ, एफ में क्वांटिटी की बात की जा रही, तो एफ में टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी शर्ट्स की, 72 हो जाएगी सर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 72, तो ये था शायद आपका ऑप्शन करेक्ट, 72 आएगा इसका आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी को चेंज करके 172 को हटा के 72 कर लो यार, ऑप्शन टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है इसमें, 72 हो जाएगा। सवाल को फिर से समझते हैं, बी ई और एफ में तीनों में मिला के जो टी शर्ट्स का एवरेज है वो कितना है 450 है। तो मैंने बी की टी शर्ट्स को लिया, मैंने ई की टी शर्ट्स को ले लिया, और एफ कौन सा पैकेट है मुझे पता नहीं है, एक नया पैकेट होगा उसमें कितना टी शर्ट्स है कितने शर्ट्स है मुझे नहीं पता। तो बी ई और एफ इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है बी को ई को और एफ को, और थ्री से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो इनका एवरेज आ जाएगा 450। तो 450 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 1350, एफ की वैल्यू निकाल ली कितनी आ गई 180 आ गई। अब इस 180 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2:3 में आप डिवाइड कर लो, 2:3 में हमने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी मिल गई 72 मिल गई और हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा था सवाल, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसी लेवल तक के आपको सवाल एग्जाम के दौरान मिलने वाले हैं। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 491, बढ़िया सवाल है, इस सवाल को आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे और करना है सभी को, है ना, जैसे पिछले सभी के सभी क्लासेस में आपने आंसर दिया है ना, वैसे इसी क्लास का भी आंसर आपको देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर आंसर कीजिएगा, मैं हार्ड ट्रैक कर दूंगा वहां पे। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और आने वाले क्लासेस की अपडेट भी वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, थैंक यू।